वर्तमान समय परिवर्तन की मांग कर रहा है, आध्यात्मिक परिवर्तन की, हमारी मानसिकता में। जिस तरह हम अपना दैनिक कार्य करते हैं, जिस रूप में हम जीवन का अनुभव करते हैं, मैत्रेय दादाश्री जी हमसे सभी दुखों के कारण के बारे में अपना गहन अनुभव बांटने आज हमारे साथ है। मानवता को दैविक युग में ले जाने के लिए दादाश्री जी ने 2013 में मैत्री बोध परिवार की स्थापना की और हम सभी को अपने सत्य स्वरूप से मिलाने में निरंतर कार्यरत है। तो बिना और विलंब किए हम जल्दी से उनके आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछ लेते हैं। नमस्कार। नमस्ते दादाश्री जी। पहला प्रश्न तो ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं और आपका कहना है दुख का कारण प्रेम का अभाव है, तो इसके बारे में खुलासा करें। देखिए, हम दोनों ने भी जो कहा वो सत्य कहा, उन्होंने जो अनुभव किया उन्होंने सबके साथ साझा किया, जो हमें लगा, जो रियलाइज हुआ, जो अनुभूति हुई, वही हमने आपके साथ बांटने की कोशिश की। दोनों में भेद नहीं है, थोड़ी समझ की जरूरत है ना, जिसका भी स्पष्टीकरण हम करेंगे। जैसे आपने पूछा कि क्यों क्या ये जो रियलाइजेशन है या अनुभूति है भिन्न है, या इसका कुछ कनेक्शन कहीं पर, एक आध्यात्मिक विद्यार्थी के तौर पे आप कैसा देखना चाहोगे या समझना जी, चाहोगे जी। तो इसमें अगर आप देखते हैं पीछे जाके, गौतम बुद्ध जब उस अवस्था में थे, आध्यात्मिक एक परिवर्तित अनुभव की अवस्था, उसमें बैठ के उन्होंने अपनी इच्छाओं को देखा कि इच्छाएं कहीं पर तो जा रही है, कहाँ जा रही है, तो अपने लक्ष्य की तरफ, कुछ हासिल करने, कुछ प्राप्त करने। तो यहाँ पर एक यात्रा दिखती है शुरुआत से अंत, कि मुझे वो वस्तु चाहिए या मुझे कुछ प्राप्त करना है। तो उन्होंने इसे कहा, ये इच्छाएं जो हैं ये आपके दुख का मूल कारण है। ये उनका अनुभव था, वही उनकी आध्यात्मिक स्थिति थी। इच्छाएं जब हम उससे कम कर दें या पूरी तरह से निकाल दें, मतलब प्राप्त करने की कोशिश, कुछ चाहना है, कहीं पर पहुंचना है, इसे आपको छोड़ना है। इच्छाएं छोड़ना, इच्छाएं त्याग करने का मतलब यही था कि कुछ प्राप्त करने की कोशिश मत करो आप अंदर से, जहां हो वहीं पर रुक जाओ आप। जब रुक जाएंगे आप एक जगह पे, ये आंतरिक अवस्था है, ऐसा नहीं कि आप बाहरी तौर पे अपने आप चलते चलते रुक गए कि मैं देखो मैं रुक गया, ऐसे नहीं है, अंदर से रुकना है। जब अंदर से आप एक जगह पे स्थित हो जाते हो तब आपको सत्य का अनुभव होता है। तो जैसे वो रुक गए, उन्हें सत्य का अनुभव हुआ, और उस सत्य क्या था, प्रेम, करुणा, मैत्री। तो वही अनुभव किया जो आज हम आपको कह रहे हैं, वो प्रेम। तो जो प्रेम की कमी है, उस अवस्था में जाके आप जैसे अनुभव करते हो, दुख आपके जीवन से चला जाता है। ये सरल एक समीकरण आप समझिए, अगर आपको दुख का अंत करना है तो प्रेम का स्वीकार करें, प्रेम को गले लगाएं, उसके भीतर जाएं। कई लोग जैसे मिलने आते हैं ना कि आप गुरु हैं, आप हमारा जो दुख है इसे आप निकाल सकते हो, आप उससे मुक्त कर सकते हो, तो हम यही कहते हैं कि इस दुख को निकालना है तो आप खुद ही वो काम कर सकते हो, सिर्फ प्रेम का अनुभव करके। दुख तो भीतर है, बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। तो वहां तक पहुंचना है आपको, और उस अवस्था पे बैठ के उस सत्य को, उस प्रेम को अनुभव जैसे करते हैं, सब ठीक हो जाता है। अगर आप देखेंगे ना, जब आप प्रेम का अनुभव अपनी जिंदगी में करते हो, या कभी एक बार तो लाइफ में, पूरे जीवन में किसी एक के लिए बहुत प्यार आया होगा, जो माता पिता हो सकते हैं, भाई बंधु हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं,
किसी के लिए भी जब प्रेम आता है, एक बहुत शरीर मन संपूर्णतः उस प्रेम से भर जाता है, तब आपके अंदर क्या भाव आता है? आपको लगता है ऐसे कि उस वक्त पे मैं किसी को हानि पहुंचाऊं, किसी को तकलीफ दूं, बिल्कुल किसी से कुछ छीन लूं? उस अवस्था में आप किसी को तकलीफ पहुंचाते ही नहीं, आप देना चाहते हो, आप अच्छा ही देना अच्छा चाहते हो, प्रेम देना चाहते हो। तो ये अवस्था से क्यों हम दूर भागे? आप कितना भी सोचे, कुछ भी करे अपने पूरे जिंदगी में शांति प्राप्त करने के लिए, सरल समीकरण तो यही है जो अभी हम आपको बता रहे हैं, प्रेम का स्वीकार करें। अगर आपको समय व्यर्थ करना है तो आप घूमते रहिए, अंत में आप कभी ना कभी इसी अवस्था पे पहुंचोगे कि हाँ, ये प्रेम मेरे भीतर जो है उसी को मुझे स्वीकारना है और कुछ नहीं करना।